सुप्रा और डर्मा दोनों में से ब्राइडल पे क्या यूज होना चाहिए? ब्राइडल सीजन आ गया है और आपको अगर डर्मा या सुप्रा में से कुछ भी यूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप डर्मा से करें। विंटर्स आ गया है नो डाउट, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन कर दी तो आप डर्मा भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डर्मा विंटर्स में यूज करें, समर्स में यूज करें, या विंटर्स में यूज करें, या फिर सुप्रा समर में यूज करें, विंटर में यूज करें। अगर आपका स्किन प्रेपरेशन अच्छा है आप कभी भी यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसकी स्किन बहुत ज्यादा सुपर ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हाइड्रेशन होना चाहिए उसकी स्किन में, या फिर आपको उससे प्रेपरेशन ऐसे करनी है कि तुरंत वो इंस्टेंट हाइड्रेशन उसके स्किन में आ जाए एंड डर्मा आप यूज कर पाए। तो आपको ब्राइडल पे कभी भी सुप्रा अप्लाई नहीं करना है। सुप्रा की कवरेज बहुत कम रहती है, सुप्रा का स्टे भी बहुत कम रहता है, लेकिन डर्मा का स्टे बहुत ही ज्यादा है एंड डर्मा की कवरेज भी वो आपको ऑलमोस्ट फुल कवरेज देता है। तो आप ध्यान रखें कि सुप्रा आपको कभी भी ब्राइडल मेकअप पे नहीं देना है, आप डर्मा यूज कीजिए। विंटर्स हो समर्स हो, आपका स्किन प्रेपरेशन अच्छा